अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम आए हुए हैं जेहलम सैटेलाइट टाउन। फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी सारी फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे थे कि आप व्लॉग्स क्यों अपलोड नहीं करती, प्लीज़ व्लॉग अपलोड करें, तो हम आपको सुनना चाहते हैं। लेकिन ये था कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम तक मैं आपके साथ अपडेट नहीं रह सकी। लेकिन अब से इंशाल्लाह मेरी फुल ट्राई होगी कि मैं आपके साथ अपडेट रहूं, व्लॉग्स वगैरह अपलोड करती रहूं। तो फ्रेंड्स, इतने टाइम बाद मैं एक व्लॉग अपलोड करने जा रही हूं, जो है जेहलम सैटेलाइट टाउन का। तो आज हम जेहलम पार्क में आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि आज का मौसम इंतहाई खूबसूरत है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, इसमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर था, जिसकी वजह से मैंने जो यहाँ का वॉल्यूम था उसको मैंने कर दिया है, म्यूट कर दिया, और फिर मैं बाद में इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि पीछे बहुत ही ज़्यादा शोर था और मेरी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रही थी, तो इसीलिए। तो मैं अभी आपको यहाँ का पार्क दिखाऊंगी। यहाँ पर जू भी है बहुत ही अच्छा सा, और इन्होंने यहाँ पर इसको बहुत ही वेल इस्टेब्लिश किया हुआ है कि यहाँ पर आए तो बहुत ही मज़ा आता है, स्पेशली फैमिली के साथ। ये बहुत ही अच्छी जगह है कि जहाँ पर हम इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी सी गैदरिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट करती रहूँगी कि हम कहाँ कहाँ गए। और आज जो मौसम है ना, मौसम बहुत ही खूबसूरत है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअली मौसम का मज़ा इसलिए भी आ रहा है कि अभी ना हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और इनका ना, यहाँ का ये एरिया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके बहुत ही पुरसकून सा, इतनी यानी कि उस तरह की गैदरिंग भी नहीं होती जैसा कि डिफरेंट पार्क में होती है, कि बहुत ही तरह तरह के लोग आए होते हैं, कि बहुत ज़्यादा रश होता है, उस तरह से भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो इन्होंने ना वैसे ये विज़िट के लिए बहुत ही खूबसूरत सी जगह बनाई हुई है कि यहाँ पर मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं लोग, अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, खेलने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। देखिए इतने मज़े की हवा चल रही है, तो हमने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पर। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर कभी आए हुए हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला पार्क कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा है, इनके मज़ा आया यहाँ पर। तो जो जेहलम के लोग हैं, डेफ़िनेटली उन्होंने तो यहाँ पर कई बार वो आए होंगे, कई बार उन्होंने ट्राई किया होगा। तो मुझे यहाँ पे ये वाली जो जगह है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली यहाँ पे पिक्चर्स के लिए, कि यहाँ पर अगर हम फोटोग्राफी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से लोग अपनी वेडिंग्स के लिए ना, इनके फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर आते हैं, कि ये बहुत ही अच्छी जगह होती है, स्पेशली शाम के टाइम। इनके अगर निकाह का इवेंट हो गया या फिर बारात का, मेहंदी का, जो लोग आउटडोर फोटो सेशन करवाते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही जगह अच्छी है। कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी जगह हैं कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स बहुत ही मज़े की आती हैं। यहाँ पर इन्होंने जगह जगह डिफरेंट तरह के दरख्त लगाए हुए हैं, फूल लगाए हुए हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ना, वो है यहाँ का वेदर। कि एक आई थिंक हम आए भी उस दिन है कि जिस दिन मौसम भी बहुत प्यारा है, कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड पे, यानी कि जू की तरफ। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से एनिमल्स हैं, क्या कौन कौन से बर्ड्स हैं, क्या सब कुछ है। मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी, तो देखते हैं ये सब कुछ। जी, तो ये थी मज़े की प्यारी प्यारी सी जगह। सब हम दूसरे साइड पे जाते हैं, यहाँ पर भी लग रही हैं कि बहुत ही प्यारी प्यारी सी हैं। तो यहाँ पर जो पानी है ना, पानी का फ्लो बहुत अच्छा लग रहा है। और रोमान और राबी तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है, तो पागल हो रही थी। ये देखिए इन दोनों के काम। इनकी तो फेवरेट प्लेस आ गई थी, और यहाँ पर जो पानी है ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये देखें, ज़रा मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट। और ये जो पानी है, कितने मज़े का लग रहा है, इसकी छींटे बाहर तक आ रही थी, सीरियसली। और इस तरह का मौसम, इसको देखें। एक्चुअली मुझे डक्स जो है ना, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारी लगती हैं। आप भी जब कभी यहाँ पर आए, यहाँ पर विज़िट करें, तो मुझे लाजमी अपडेट कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप कभी यहाँ पर आए हैं। अगर आए हैं तो आपको ये कैसा लगता है यहाँ पर, आपने ये जो फाउंटेन्स हैं इनको आपने इंजॉय किया, यहाँ पर ड्रग्स वगैरह
नेचुरल ब्यूटी इज एन एवरीथिंग। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आ गए हैं अफ्रीकन लाइन। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर तो एक दो ऐसे थे जो बिल्कुल सोए हुए थे। ये देखें, वो भी अंदर ऐसे डर से नशा करके सोया हुआ कि उसको कोई होश ही नहीं थी किसी भी चीज़ की। इन्होंने ना ये बहुत ही प्यारा सा जू बनाया हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे सीटिंग एरिया भी इनका बहुत ही अच्छा था कि यहाँ पर आप इजीली अगर थक गए तो बैठ जाएं। तो यहाँ पर जो बच्चों की फेवरेट प्लेस, झूले, जहाँ पे जाओ जहाँ पर झूले नहीं होंगे तो वहाँ पर। एक्चुअली ये वाला जो घर था ना, ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, तभी मैंने इसको जूम करके दिखाया। और इसको देखे, ये मस्त सो रहा है, कोई होश नहीं दुनिया जहान की। ये देखें, अपने हाल में मस्त है, हर एक चीज़ मौजें मस्ती। मारो, क्या कर रही हो? ये मारो, ये सफाई आपने नहीं करनी, आपने नहीं करनी सफाई, गंदी बच्ची। मारुख, मारुख के पालों पे का लगा हुआ है। मारुख म्याऊ। मारो छोटा सा काका, फूफो की जान कैसी है? मारो मारो मानो मारुख मारुख चुन्नी। रुमान, ये कौन है? ये छोटा सा मुन्ना है। मारो काका, सुनो चा काका, मारो मारो, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो?